Hands up. Raj! इसे ढूंढ रहे हो दादा? मैंने सोचा मेरे लिए ही तो लाए हो, क्यों ना खुद ही निकाल लूं। तुम्हें चाहिए तो 10-20 दूं। बाय बाय। मरी मेरी माँ, तुझे मार डाला गया। जानिए बॉलीवुड को बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर को, कौन है जो आज भी बॉलीवुड पर राज कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीराज स्टूडियोज में। चिंगारी कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, पर अगर आप किसी छोटी सी बात में आग की चिंगारी लगा दी जाए तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। पर आप चिंता मत कीजिए, आज हम यहाँ किसी आग की चिंगारी की नहीं बल्कि 1940 की गोल्डन एरा में आई फिल्म चिंगारी की बात कर रहे हैं। जब हिंदी सिनेमा अपनी पहचान बना रहा था और दर्शकों के दिलों में उतरने के लिए प्रयास कर रहा था, तभी यह फिल्म आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं कर पाई, पर अगर फिल्म चल जाती तो इसकी कहानी दिलों को छू सकती थी। फिल्म का निर्देशन सर्वोत्तम बादमी ने किया था और सुदामा प्रोडक्शंस के तहत इसे प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म में सुपरस्टार पृथ्वीराज कपूर और उनके साथ सबिता देवी, ई बिली मौर्या, कार्टून शालिनी देवी, भगवान दास, केशव राव दाते और मीरा जैसे प्रतिष्ठित कलाकार भी थे। कहानी एक लड़की गीता की है जो अपनी गरीब भाई के साथ रहती है। हालांकि वह शादीशुदा है, पर अपने ससुर के वजह से वह अकेले ही रहती है। समाज में उसकी माँ की बुरी छवि थी, उसके कारण उसका ससुर उसे घर से निकाल देता है और उसका पिता बीरेन भी कुछ नहीं कर पाता। बाद में बीरेन को उसकी याद आती है और वह गीता के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। वह उसके साथ अपना रिश्ता सुधार कर उसे वापस से ले जाना चाहता है। गीता के ससुर और उसके पति की दूसरी बीवी की मृत्यु हो जाती है, जिसके साथ बीरेन का एक बच्चा किसी भी तरह के सुलह से इनकार कर देती है। पर जब धीरे धीरे उसके भाई चरण की तबीयत बिगड़ने लगती है, तब वह बीरेन के पास जाती है और उसका ध्यान रखते साथ में आ जाते हैं। फिल्म का संगीत ज्ञान दत्त ने दिया है और इसके गानों में का लेखन J.S. कत्यप, प्यारे लाल संतोषी द्वारा किया गया है। फिल्म के गाने कार्टून ने गाए हैं। फिल्म को CBFC से यू सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। जून 1940 में फिल्म इंडिया में बाबूराव पटेल ने इस फिल्म का रिव्यू दिया था और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस ना कर पाने के कारण फिल्म को मिली कम पब्लिसिटी को देखते हुए इसके प्रोड्यूसर्स को घेरा था। उन्होंने निर्देशक सर्वोत्तम बादमी को छोटा बरुआ कहकर सकारात्मक रूप से सराहा। उन्होंने महसूस किया कि निर्देशक ने बंगाल से डायरेक्शन का अनुकरण किया था। जिस तरह से फिल्म का निर्देशन हुआ है, वह उनके हिसाब से एक बहुत ही अच्छी तरह से निर्देशित चित्र था। बाबूराव ने सबिता देवी को उनके किरदार गीता के लिए उनकी बहुत सराहा की, तो इसके लिए ईमानदारी से बकाया है। हालांकि उन्होंने सबिता को अपने गाने खुद ना गाने की सलाह दी, कहा कि खराब गायन हमेशा अनावश्यक के रूप में दिखाई देती है। ई बिली मौर्या के बारे में उन्होंने कहा कि इस पुराने टाइमर ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और मेगास्टार पृथ्वीराज कपूर को भी उन्होंने उनके अभिनय के लिए खूब सराहा। हिंदी जगत का एक ऐसा परिवार जिसकी चार पीढ़ियां बॉलीवुड में राज कर रही है, पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, ऋषि कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक कई प्रमुख नाम इंडस्ट्री में, जिन्होंने बॉलीवुड को बनाया और जिन्हें बॉलीवुड ने बनाया। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 में समुद्री पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है। उनके पिता नाथ कपूर थे, जो पेशावर में पुलिस अफसर थे।
मात्र 17 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी 15 साल की राम रानी मेहरा से करा दी, जिसके साथ उनके 6 बच्चे थे, राज, शमी, शशि, रविंद्र, देवेंद्र और उर्मिला। उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत पेशावर से ही की थी। 1928 में कर्ज लेकर वे बॉम्बे आए। वहां वे इंपीरियल फिल्म्स कंपनी के साथ जुड़ गए और फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करना उन्होंने शुरू किया। वे धारी तलवार, सिनेमा गर्ल और शेरे आरा जैसे फिल्मों में मिलकर उन्होंने कुल 9 मुख्य फिल्मों में काम किया था। लगभग 2 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद पृथ्वीराज ने 1931 में प्रदर्शित फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। यह भारत की पहली बोल सकने वाली फिल्म थी। 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर के साथ जुड़ गए। वर्ष 1993 में प्रदर्शित फिल्म राज रानी और वर्ष 1934 में देविका बोस की फिल्म सीता के कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। इसके बाद पृथ्वीराज ने न्यू थिएटर की निर्मित कई फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में मंजिल 1936 और प्रेसिडेंट 1937 जैसी फिल्में शामिल थी। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म विद्यापति में पृथ्वीराज ने अभिनय किया, जो कि दर्शकों ने काफी सराहा। वर्ष 1938 में चांदलाल शाह के संजय महत्वपूर्ण के लिए पृथ्वीराज अनुबंधित किए थे। इसके बाद वर्ष 1941 में सोहराब मोदी के फिल्म सिकंदर की सफलता के बाद पृथ्वीराज कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपनी खुद की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर शुरू की। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने आधुनिक और शहरी विचारधारा का इस्तेमाल किया, जो उस समय की फारसी और परंपरागत थिएटरों में से एक थी, परंपरागत थिएटरों से अलग थी। धीरे धीरे दर्शकों का ध्यान थिएटर की ओर हट गया। 16 वर्ष में पृथ्वी थिएटर के 2,662 शो हुए, जिनमें पृथ्वीराज ने लगभग सभी शो में मुख्य किरदार निभाया। पृथ्वी थिएटर के प्रति पृथ्वीराज इस किरदार समर्पित थे कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह हर शो में हिस्सा लिया करते थे। फिल्म आवारा में पृथ्वीराज कपूर ने अपने पुत्र राज कपूर के साथ अभिनय किया। 60 का दशक आते आते पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। अपने आखिरी कुछ समय में उन्होंने मुगले आजम की, जहां अकबर का किरदार निभाकर उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वे भी सबके चहेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और फिल्में की, जो थी हीरा चंद तरामती, सिकंदर ए आजम और कल आज और कल। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वे जुहू बीच स्थित अपने पृथ्वीराज और उनकी पत्नी दोनों को ही कैंसर था। यहाँ तक कि दोनों की मृत्यु में भी मात्र एक ही दिन का फर्क था। पृथ्वीराज की मृत्यु 29 मई 1972 को 65 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के बाग राजबाग में उनकी समाधि बनाई गई थी, जहां उनकी पत्नी और पुत्र राज कपूर की समाधि भी है। आज यह एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां कपूर खानदान की कई फिल्मों की यादें समेटी गई है। आज भले ही पृथ्वीराज कपूर हमारे बीच ना हो, पर अपनी फिल्मों और कमाल की अपनी अंदाज से चलते ही आज भी हमारे दिलों में छाए हुए हैं और आज भी हमारे दिलों में पृथ्वीराज कपूर जीवित है। आपको बता दें कि हाल ही में उनके 2 पोते और एक्टर्स ऋषि कपूर और राजीव कपूर की भी मृत्यु हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है ऋचा गर्ग।